हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। माय नेम इज़ रोहित, आपका होस्ट और साथ में दोस्त भी। और ये तो साजिद खान का डायलॉग है ना, होस्ट एंड दोस्त। आई डोंट लाइक, सारी फ्लॉप मूवीज बनाते नहीं। एनीवेज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट है और ये दो कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं। इसी पे आपके पूरे 1.2 के क्वेश्चन से वराइटे हुए करना बहुत ईजी है, और इंटरनेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब व्यूट्यूब पर रटवा रहे हैं वो तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं आपको। ये दो वीडियो जो आप देखोगे, दो या तीन वीडियो में 1.2 ख़त्म कर रहा हूँ मैं विद कॉन्सेप्ट। इससे आप कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन पूछ लें इन कॉन्सेप्ट पे, आप ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे ही अभी चुटकी की आवाज ऐसे करोगे, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो क्या है ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन ये वो वाला रिलेशन नहीं है जो तुम्हें हो जाता है आजकल हर दूसरे तीसरे दिन। आजकल बच्चों को क्रश बड़े हो जाते हैं। ओ क्या क्रश हुआ है मुझे उस लड़के पे या उस लड़की पे। क्रश वश छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ स्क्रीन पे, और अब मुझे तुम्हारी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, ठीक है। पक्का पानी वानी की बोतल ले लो और पूरा फोकस अब यार, ठीक है। पूरा जितने भी लास्ट तक फुल कंसंट्रेशन स्क्रीन पे और दिमाग एकदम खुला, आ जाओ जी स्क्रीन पे। तो हम कह रहे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे तो कुछ नहीं कर सकते, सीरीज में देखो सारी वीडियोस। इस वीडियो में क्या है कि मैंने आपको 1.1 में हमने HCF निकालना सीखा है, और कैसे सीखा है वो हमने सीखा है इससे, याद आ रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये इससे हम सीख रहे थे HCF निकालना, के वो दो पॉजिटिव नंबर है, फिर वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगा के और रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आता हम HCF निकाल रहे थे। पर उसके अलावा HCF निकालने का एक तरीका और है, HCF और LCM दोनों का। वो तरीका क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। तो अब यूक्लिड्स तो 1.1 की बात हो गई, वो छोड़ते हैं पीछे। अभी हम HCF और LCM दोनों निकालेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये तो इजी है, इसमें तो सीधे तोड़ना है आपको बस। यूक्लिड्स में तो फिर भी ध्यान रखना पड़ता था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और ये सब, ठीक है। बाय द वे वो इम्पोर्टेंट है, ये ना कहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो यूक्लिड्स छोड़ ही दो, बड़े क्वेश्चन आएंगे उससे, देख लेना। उस पर बहुत डिटेल में, मतलब पूरे मेरे हिसाब से पूरे इंटरनेट पे इतनी डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाई होगी यूक्लिड्स जितनी मैंने पढ़ाई। कभी कभार खुद की तारीफ भी कर देता हूँ मैं, तुम तो करते नहीं हो, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकालते हैं। अब देखो, मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया तोड़ना, सबसे छोटे में तोड़ दो। ये सबसे आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कंपोजिट नंबर को यानी किसी नंबर को तोड़ दो सबसे छोटे में, और ऐसा तोड़ो कि उससे कम ना टूटे। आसान भाषा का प्राइम फैक्टराइजेशन, और सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्राइम फैक्टराइजेशन मींस टू एक्सप्रेस द कंपोजिट नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स, और यू कैन से इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। लेकिन हमें तो समझना आना चाहिए, तो मैंने बता दिया तोड़ दो, तोड़ फोड़ मचा दो, हल्क बन जाओ तुम, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाओ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे, देखो कैसे, और रिलेशनशिप पे भी आएंगे। पहले LCM को सिर्फ निकालना सीख लो, रिलेशन तो आ जाएगा, आसान है। अब मान लो पहले हम HCF सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे निकालते हैं सीख रहे हैं। मान लो कोई नंबर है, कोई दो नंबर है 6 और 20, दो ही नंबर चाहिए होते हैं ना HCF निकालने के लिए, तीन भी चाहिए होते हैं, पर यू की दो दो में हम काम करेंगे, टेंथ में दो तक ही हो रहा है काम, और तीन तक भी हो रहा है तो प्राइम फैक्टर से हम कर देंगे। यूक्लिड में तो दो से ही होता है, प्राइम फैक्टर्स में दो तीन चार कितने भी नंबर कर देते हैं। तो मान लो अभी हम दो के करते हैं, ये दो नंबर हैं 6 और 20, और इसका हमें HCF निकालना है इन दोनों नंबर का। तो कैसे निकालोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 2 into 3, बस और तो कहीं टूटेगा को तोड़ सकते हो उसको नहीं, ऐसी 20 का कर दो 2 into 5, और तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते,
अच्छा, जब ये नंबर ऐसे होते हैं ना, आप सोचोगे मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, ऐसे लिखा करो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, ऐसे 2 से काटने की कोशिश किया करो, 2 1 2 0, 2 5 10, अब इससे ज़्यादा नहीं कट रहा, तो ये हो गया 2 2 और 1 5, यही तो है यहाँ पर, 2 2 और 1 5, ऐसे थोड़ा करो, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया, आपको जब बड़ा सा नंबर मिले कन्फ्यूजन हो तो ऐसे काट लिया करो, जैसे 6 का कैसे 2 से काटना शुरू करो, 2 3 6, और कहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो 1 2 और 1 3, वही तो है ये 1 2 और 1 3, ठीक है। ठीक है, अब हमने इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब एच सी एफ कैसे निकलता है। देखो एच सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होते हैं ना, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको जब दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 into 2 into 5 को 2 की पावर स्क्वायर, 2 2 है ना, तो स्क्वायर इंटू 5, एक ही तो बात है, या तो ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ हम इन दोनों का जब आप निकालोगे तो आपको पता क्या देखना है, आपको देखना है इन दोनों नंबर के प्राइम में कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बस एक ही 2 कॉमन है ना, तो जो चीज दोनों में कॉमन है और उसकी जो छोटी पावर है, समझना इस बात को गौर से, जो चीज कॉमन है और उसकी जो छोटी पावर है वही एच सी एफ है। तो इस केस में 2 कॉमन है और छोटी पावर कौन सी है, 2 है या 1 है, ये तो 1 है ना, तो 1 है, तो इसका एच सी एफ हो गया 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो यही एच सी एफ है, किसका, 6 और 20 का। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं लिख दूं क्या वर्ड्स में, वर्ड्स में भी लिख दूं यार, वीडियो सुन लेना, लिखूं सुन लो गौर से, क्लियर भाषा बता देता हूँ। दो नंबर है, पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो जैसे हमने कर दिया, फिर उसके बाद देखो कि उन दोनों में क्या कॉमन है उनके प्राइम फैक्टर में। तो मैंने देखा यार उनमें, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 3 इसमें 5 का कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 ले लिया, उसके बाद जिसकी पावर छोटी है वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ 2 स्क्वायर है या 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, यानी कि वही एच सी एफ है। ये बात समझ में आ गई, एक एग्जाम्पल ले लो एच सी एफ, सिर्फ एच सी एफ निकालने का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो फिर, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 96 एंड 404, और मैं कह रहा हूँ फाइंड एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे क्वेश्चन इसी में हैं आपके एक्सरसाइज में, गौर से सुन लेना। तो 96 और 404, अब इनका इनको भी तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 96 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे नहीं समझ आ रहा, तो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे लिख लिया करो 96, फिर 2 से काटना शुरू किया करो, 2 4 8 उधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 16, फिर 2 से वापस 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से वापस 2 2 2 2 4, फिर 2 से वापस 2 6 12, फिर 2 7 2 3 3, अब नहीं जा रहे, 3 पे रुक गया ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, ये यानी कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और 1 ये 3 into 3। तो हमने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 की पावर 5 into 3। दूसरा हम करेंगे 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको भी कर दो, नहीं कर सकते, करो काटना शुरू करो 2 से, 2 2 4 0, 2 2 4, फिर 2 से काटो, 2 1 2 0 1, अब बताओ ये कटेगा, बताओ ये कटेगा ना, तो ये 2 से कटेगा ना, 3 से ना, 5 से ना, 7 से, किसी चीज से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही नहीं कटते, प्राइम नंबर तो बताया ना, प्राइम नंबर किसी से नहीं कटते, सिर्फ अपने आप से कटेंगे। तो यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो गया, ये और ये, यानी 2 2 है, 1 2 2 2, तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू ये 101 101। तो हमने इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब एच सी एफ निकालना है हमें, तो एच सी एफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, यहाँ ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ यार मैं,
मन नहीं मान रहा मेरा। एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कॉमन, रुको सबसे पहले कॉमन, टेक कॉमन एंड स्मॉलेस्ट पावर बिटवीन देम। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? टू ही कॉमन है, थ्री तो कॉमन नहीं है, 101 भी कॉमन नहीं, तो टू कॉमन है। और स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, फाइव या टू? टू कॉमन है, तो एच सी एफ हो गया टू की पावर स्क्वायर यानी कि फोर। तो एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 इज फोर। समझ आ गई बात? अभी हमने सिर्फ एच सी एफ निकालना सीखा है। रिलेशनशिप में आएंगे, पहले एचसीएफ एलसीएम के बहुत बच्चों को, अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लो। ऐसे छोटी क्लास में आप सीख चुके हो 8th 9th में ना एचसीएफ निकालना, पर मैं करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, भूल भी जाते हैं यार। अब एलसीएम निकालना सीख लो। एलसीएम में भी प्रोसेस तो सेम ही है, दो नंबर है तो उनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन ये वाला प्रोसेस बदल जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तक तो सेम है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करना है। उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, दोनों का कॉमन ले रहे थे और उसकी छोटी पावर, समझ रहे हो, दोनों का कॉमन ले रहे थे और उसकी छोटी पावर। अब देखो एलसीएम में कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। मान लो वही नंबर है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 6 और 20 का, 6 एंड 20, और वो कह रहा है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, निकालो। तो सबसे पहले वही कॉम प्रोसेस तो कॉमन, पहले 6 का हम ले लेंगे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 जल्दी ले लो, ऊपर ले रखा है ना, सेम ही क्वेश्चन है। 20 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको और या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 2 है तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5। अब देखो एलसीएम का प्रोसेस देखो, ये वाइट से देखो, वाइट से अगर मैं इसका एचसीएफ कहता तो आप आराम से देख लेते कि कॉमन क्या है, 2 है और छोटी पावर 1 है तो 2 हो गया। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको सारे नंबर लिखने हैं, एलसीएम में आपको सारे नंबर लिखने हैं, और जो पावर बड़ी है, जो कॉमन आ रही है उसकी बड़ी पावर, सारे नंबर लिखने हैं। और जो लिख देता हूं ऑल द नंबर्स, दूसरे कलर से लिखता हूँ, वाइट से तो सॉल्व करेंगे हम, ऑल द नंबर्स एंड बिग पावर ऑफ कॉमन नंबर, बिग पावर ऑफ कॉमन नंबर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने का तरीका। देखो अब आपको ये वर्ड्स में तो समझ आया नहीं होगा, जब करूंगा जब समझ आएगा। तो वाइट से करते हैं, तो सबसे पहले ऑल द नंबर यानी नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5, तो पहले तो सारे नंबर लिख लो, इसमें 2 और 3 है तो 2 3 और 1 5, सारे नंबर लिख दिए। अब जो कॉमन है यानी 2 कॉमन है तो उसकी जो बड़ी पावर है कौन सी है, ये पावर है बड़ी, तो ये लगा दो। अब यही एलसीएम है, बस निकाल दिया एलसीएम, कोई दिक्कत है इसमें, सारे नंबर और जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी पावर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको अगर ये एलसीएम है इसको नंबर में लिख दो, सॉल्व कर दो, 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है ये, 15 4 जा 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60, एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब बताओ एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है कि नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको। एक और बताओ एलसीएम का, चलो एक और एलसीएम का एक और एग्जांपल ले लो, जब पढ़ी रहे तो डिटेल में पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसके बाद तो एक्सरसाइज तो ऐसे उड़ा दोगे आप अगर ये समझ आ गया तो। हम मान लो वही दोबारा इसका सेम करेंगे क्या, 96 एंड 404 ये दो नंबर हैं और वो कह रहा है फाइंड एलसीएम बाय, मैं पीएफ लिख दूं, थोड़ा लेजी हो रहा हूँ, पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, बीएफ मत समझ लेना, बॉयफ्रेंड नहीं, पीएफ। तुम्हारे दिमाग में जब देखो ये घूमता रहता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पीएफ पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम प्रोसेस क्या है,
पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अब यह बार बार करने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने इसका कर दिया था, ये रहा ना 2 की पावर 5 इंटू 3, तो 96 का 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 का हम कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने करा था ना यहाँ पर, ये क्या है 2 की पावर स्क्वायर इंटू 101, तो ये है ना क्वेश्चन अपना, एलसीएम निकाल रहे हम 2 की पावर स्क्वायर इंटू 101। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर नंबर कौन कौन से हैं, चलो से करते हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 101 है, तो एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर 2 इंटू 3 इंटू 101, और जो कॉमन है, कॉमन क्या 2 ही है, उसकी बड़ी पावर, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो कॉमन क्या है अपना 2 है, 2 में से किसकी बड़ी पावर है 5 है, 2 5, यही आपका एलसीएम है, प्राइम फैक्टर। अब इसको खोल वोल लेना, जब आप इसको खोलोगे ना तो इसका आंसर आएगा 9696। खोलना वोलना तो है ना, मल्टीप्लाई करना सिखाने बैठा हूँ तुम्हें, तो कर ही लोगे, होशियार बच्चे मेरे, ठीक है 9696। तो अब आपको HCF और LCM निकालना तो आ गया, HCF और LCM निकालना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आते हैं हम रिलेशनशिप में, ये बताने की मैंने आपको पुरानी क्लास का बताया, 9th स्टैंडर्ड की चीज बताई अभी तक सिर्फ, ठीक है। अब आपको LCM निकालना आ गया, HCF निकालना आ गया ना, एलसीएम निकालना आ गया और एचसीएफ निकालना आ गया, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हम इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन है शॉर्ट में लिखा मैंने, एलसीएम एंड एचसीएफ। बस एक ध्यान रखना, ये जो रिलेशनशिप है या जो मैं अभी फॉर्मूला दूंगा उसे दो नंबरों के लिए, टू नंबर्स, मतलब जब दो नंबरों का पूछो तब, तीन चार में मत लगा देना ये रिलेशन, दो में, तो ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ दो नंबरों के लिए। तो देखो, अगर मान लो दो नंबर हैं ए और बी, कोई से भी दो नंबर, जैसे अभी यहाँ थे ना ये दो नंबर 96 और 404, पूछा था इनका एलसीएम बताओ, तो ऐसे दो नंबर हैं कोई कोई से भी, ए और बी मैंने मान लिए, ठीक है मान लो ये दो नंबर है ए और बी, और मैं अब आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, रिलेशन बताने जा रहा हूँ, वो ये है, ये दो नंबर है ए बी, तो ये फॉर्मूला ये कि एच सी एफ उन दोनों नंबरों का एच सी एफ मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर का एलसीएम, एक सेकेंड, उन दोनों नंबर का एलसीएम बराबर होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये फॉर्मूला है या रिलेशन बोल लो इसको, फॉर्मूला बोल लो या रिलेशन बोल लो, फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और कितने नंबरों के लिए, सिर्फ दो नंबरों के लिए, तभी तो ए और बी है, सिर्फ दो नंबरों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और दो नंबर तक ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सिर्फ रिलेशन वाले जो हैं, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन से सिर्फ अकेले अकेले एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो 3 4 5 जितने मर्जी नंबरों का निकालो, वो तो ऊपर हमने पता ही कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन खोलो, इनको खोलो और फिर देख लो भाई सारे नंबर और जो कॉमन है उसका सबसे बड़ी पावर, एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, जो नंबर है पहले उनका एचसीएफ, जो नंबर है उनका एलसीएम, वो बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के। अब देखो मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ वाइट से, इसका मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लो ये दो नंबर है 6 और 20, 6 और 20 ये दो नंबर है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं और उसको उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 20 × 6 120 के बराबर होगा, करके देख लो, नहीं करोगे, हम ये 620 का हमने पहले निकाल चुके हैं, देखो चेक कर लो, 620 का हमने एलसीएम क्या निकाला था, क्या निकाला था एलसीएम 620 का, एलसीएम हमने निकाला था 60, तो यहाँ लिखो 60, एलसीएम की जगह यहाँ नीचे लिखो 60, और एचसीएफ क्या निकाला था हमने,
एच सी एफ भी तो निकाला था हमने 620 का, या निकाला था ना ये एच सी एफ हमने निकाला था, क्या आया था एच सी एफ 2 आया था। अब देखो ये फॉर्मूले में फिट हो गई ना, और एच सी एफ 2 तो 2 × 60 आ गया ना 120। तो दो नंबरों का एच सी एफ और एल सी एम उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। एच सी एफ ऑफ दो नंबर मल्टीप्लाई एल सी एम ऑफ दो नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ उन दोनों नंबरों का। इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो ये था रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं सही कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन होता है जो समझ आता है। दिखा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ऐसे है, देखो लिख देता हूँ आपके सामने, तो कलर चेंज करते हैं, वनीला बहुत हो गया, स्टेप बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि गिवन ये 1.2 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है, कहता है गिवन दैट एच सी एफ इन दोनों नंबर का 306 और 657 एच सी एफ दे रखा है 9 है, तो कह रहा है फाइंड एलसीएम। हम आप बताओ, वैसे तो आप डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कर सकते हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन रिलेशन हमने याद किया है अभी, तो रिलेशन लगाओ ना। रिलेशन क्या होता है कि दो नंबरों का एचसीएफ और उन दोनों नंबरों का एलसीएम उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, तो देखो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें निकालना है इसको एक्स मान लो, और इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन यानी 306 × 657 एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही एलसीएम है, तो इस 9 को इधर डिवाइड कर दो सॉल्व इसको 306 × 657 बाय, ये काट वाट दो यार, नहीं काटूंगा। 9 × 9 9 × 27 9 × 36 तो 34 × 67 जो होगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो हमने रिलेशनशिप लगा दिया इसमें। ठीक है, इसको और कर लेना, ये तो मैंने 34 × 657 इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना। देखो एक चीज़ और सुन, एक चीज़ एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, मेरे को इसका आंसर नहीं पता, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, पर मुझे इतना पता है लास्ट डिजिट 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 7 है, 4 × 7 = 28 का लास्ट डिजिट 8 होता है, पूरे नंबर का भी लास्ट डिजिट 8 होगा, मल्टीप्लाई कर लेना कोई। ठीक है, बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या हो, ये एच सी एफ दे रखा था हमें दो नंबरों का और एल सी एम पूछ रहा था, हमने फॉर्मूला लगा दिया एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू 8 × 2 यानी कि वो दोनों नंबर। ये तो था रिलेशन, और इस पर इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन, मान लो अभी एलसीएम दे रखा है, ऐसे दे सकता है कि यहाँ एलसीएम दे देगा और पूछ लेगा फाइनेंसिंग जो भी है। इस मामले में इन तीनों में से आपको कोई सी दो चीज़ दे देगा, तो एचसीएम दे देगा, एलसीएम दे देगा, दोनों नंबर दे देगा, और तो दे देगा तीसरी आपको, मतलब फाइंड करनी है। तो ये है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के क्वेश्चन कर लेंगे, वैसे तो अब आप खुद भी कर सकते हो, ये दो वीडियो जो मैंने आपको बताई है, एक तो प्रीवियस वाली प्राइम फैक्टराइजेशन की है, अब आपका एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आराम से कर लेना, और अटके तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्लेइंग, बट ऑल्सो कीप स्टडी। ओके, बाय, टेक केयर।